तो हाय गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडेक में। तो इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं रेडमी वाई टू वर्सेस जेनफोन मैक्स प्रो M1। आपके मन में अगर कुछ डाउट वगैरह है कि आप लोग एक फ़ोन लेना चाहते हैं 10,000 के अंदर और आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रेडमी वाई टू ले या फिर मैक्स प्रो M1 ले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों फ़ोन में 5.99 इंच का 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा और इसके नेविगेशन बार भी स्क्रीन के अंदर दिया गया है इसीलिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी हम लोग कैमरा की बात करें तो आप लोगों को Redmi Y2 में मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी विथ LED फ्लैश और Asus Zenfone Max Pro M1 में मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी विथ LED फ्लैश। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सेल्फी के मामले में तो Y2 थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को बेटर रहेगा अगर सेल्फी के मामले में अगर बात करें इस दोनों फ़ोन की तो। और यहाँ पे अगर इसकी हम लोग बैक की बात करें तो दोनों फ़ोन में आप लोगों को प्लास्टिक का बॉडी मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इसकी हम लोग कैमरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों फ़ोन में डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा जो कि Redmi Y2 में आप लोगों को दिया गया है। 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा विथ LED फ्लैश और आप लोगों को Max Pro M1 में मिल जाएगा दोस्तों जो कि 13+5 मेगापिक्सल विथ LED फ्लैश। और आप लोग देख सकते हैं पीछे दोनों का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है और दोनों का ब्रांडिंग पीछे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और पे अगर इसके हम लोग लुक की बात करें तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा ये Redmi Y2 ये Max Pro M1 से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस दोनों फ़ोन में आप लोगों को मिल जाता है 2 नैनो सिम कार्ड और 1 microSD कार्ड लगाने का ऑप्शन, जो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात ये है कि आप लोगों को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपने फ़ोन की मेमोरी को लेकर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दोनों फ़ोन में नीचे आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी माइक और स्पीकर दिया गया है और जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा USB टू microSD चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो Asus Zenfone Max Pro M1 में आप लोगों को 3.5mm हेडफोन जैक फ़ोन के नीचे तरफ दिया गया है। अगर आप लोग MI का फ़ोन में देखेंगे Y2 में तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है विथ IR ब्लस्टर। और दोस्तों अगर इस दोनों फ़ोन के हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा Redmi Y2 में Snapdragon 625 और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा Asus Zenfone Max Pro M1 में 636। यहाँ पर अगर प्रोसेसर के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है Asus में और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा आउटडेटेड प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि है Redmi Y2 में। और इस दोनों फ़ोन की बैटरी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोगों को Asus Zenfone Max Pro M1 में मैसिव 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और यहाँ पे आप लोगों को Redmi Y2 का बात करें तो आप लोगों को मैजी 3000 mAh बैटरी दिया गया है जो कि मुझे लगता है काफ़ी कम दिया गया है Redmi Y2 में, क्योंकि यहाँ पे 6 इंचेस का एक स्क्रीन दिया गया है और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड नहीं है। अगर बैटरी की मामले में देखेंगे तो कहीं गुना आगे है Asus Redmi Y2 से। तो दोस्तों अगर इस कंपैरिजन के समारे में हम लोग आते हैं तो हम लोग को यही पता चलता है कि Asus में बहुत कुछ ऐसे ज़्यादा है जैसे कि Redmi Y2 में नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मिल जाएगा Snapdragon 636 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है Snapdragon 625 से और यहाँ पे आप लोगों का मैसिव 5000 mAh का बैटरी दिया गया जो कि बहुत ही बढ़िया बात है 6 इंच डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पर आप लोगों का मैजी 3000 mAh बैटरी मिल रहा था जो कि Redmi Y2 में। तो यहाँ पर अगर आप लोग 10,000 के अंदर एक फ़ोन लेना चाहते हैं ऐसा तो आप लोग बेसिक Asus के साथ जा सकते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लवर हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सेल्फी से ही मतलब है, तब आप लोग Redmi Y2 ले सकते हैं क्योंकि सेल्फी इसमें बेटर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को Asus में स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोगों को MIUI का जो कि मिल जाएगा, जैसे कि हम लोगों को पता होता है कि Xiaomi के फोन्स में MIUI रन करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी टाइप का वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।